हेलो एवरीवन, इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे कि फ्रैक्शनल बुक्स ईआरपी के अंदर से जब भी हम इनवॉइसेस, रिसिप्ट, ऑर्डर्स वगैरह बनाते हैं तो वो बनाने के बाद हम हमारे कस्टमर को एसएमएस से नोटिफाई कैसे कर सकते हैं। फ्रैक्शनल सॉफ्टवेयर के अंदर एसएमएस सेंड करने के लिए दो ऑप्शन दिए हुए हैं, एक फ्री एसएमएस का ऑप्शन है एंड एक आपका खुद का एसएमएस पैकेज आप कन्फिगर कर सकते हो। अगर आपने ऑलरेडी कहीं से एसएमएस का पैकेज वगैरह परचेज करके रखा है या ऑलरेडी आप एसएमएस मार्केटिंग वगैरह भी करते हैं तो आपके पास एसएमएस का पैकेज अवेलेबल है तो वो भी आप यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ आपके पास अगर कुछ नहीं है तो आप फ्रैक्शनल्स का फ्री एसएमएस सर्विस भी यूज़ कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि एसएमएस का सेटिंग कैसे करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, टूल्स मेनू के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में एप्लीकेशन सेटिंग्स खोलना है, उसके अंदर से अदर सेटिंग्स ओपन करना है। अदर सेटिंग्स के अंदर एसएमएस सेटिंग्स ओपन करना है। यहां पर आप देख सकते हैं कि अदर एसएमएस सेटिंग्स के अंदर एसएमएस के दो ऑप्शन दिए हुए हैं, कस्टम सेटिंग्स एंड फ्री एसएमएस बाय फ्रैक्शनल्स। अगर आपके पास पेड सर्विस अवेलेबल है, अगर आपने कहीं से परचेस करके रखा है तो आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। जो एसएमएस प्रोवाइडर है उनके पास से आपको एक यूआरएल मिलेगी, वो आपको यहाँ पर ड्रॉप कर देनी है और जस्ट इसके बराबर नीचे आपको नीचे इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। यूआरएल के अंदर मैसेज टेक्स्ट और मोबाइल नंबर का टैग इस तरह से अप्लाई कर देना है। अगर आप फ्री एस एम एस यूज़ करना चाहते हैं तो इसको टिक मार्क कर दीजिए, फिर यू आर एल वगैरह कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। फ्री एस एम एस सेंड करने के लिए सपोज़ आपको कोई भी कंटेंट लिखने की ज़रूरत नहीं है, कंटेंट ऑटोमेटिकली लिखा हुआ आ जाएगा। आपको सिर्फ ऑन करना है कि सपोज़ आपको सेंड एस एम एस टू कस्टमर आफ्टर क्रेडिट बिल, मतलब ये आपको क्रेडिट इनवॉइसेस बनाने के बाद आपको कस्टमर को एस एम एस भेजना है कि नहीं। आपकी इनवॉइसेस जब ड्यू होती है उस डेट को आपको कस्टमर को एसएमएस भेजना है कि नहीं, वो ऑन ऑफ कर सकते हैं। ऑर्डर्स बनाने के बाद कस्टमर को नोटिफाई करना है या डिलीवरी चालान बनाने के बाद आपको कस्टमर को नोटिफाई करना है, इसके लिए ये है। और जब आप कस्टमर से पैसा लेते हैं, चाहे वो कस्टमर ने बैंक चैनल से दिया है या फिर कैश मोड में दिया है, तो आप हम जब भी रिसिप्ट बनाते हैं सॉफ्टवेयर के अंदर तो रिसिप्ट बनाने के बाद कस्टमर को एसएमएस जाएगा। तो जिस सर्विस को आपको ऑन रखना है उसको ऑन रख लीजिए और जस्ट अपडेट पे क्लिक कर दीजिए। तो ये हो गया सिंपल सेटिंग्स। अब एसएमएस सेंड करने के लिए आपको अलग से कुछ भी करना नहीं है। आप सपोज इनवॉइसेस जनरेट करते हैं, रिसिप्ट जनरेट करते हैं, ऑर्डर्स, डिलीवरी चालान्स वो सब जनरेट करते हैं, तो रेगुलरली जैसे जनरेट करते हैं वैसे ही जनरेट करना है और आपके कस्टमर को जस्ट ऑटोमेटिकली एसएमएस सेंड हो जाएगा। तो देखते हैं एक ट्रांजेक्शन करके, सपोज हम क्रेडिट सेल बनाते हैं, इसके अंदर हम डेट, इनवॉइस टाइप जीएसटी, सपोज हम कस्टमर सेलेक्ट करते हैं एनआईसी इंटरनेशनल, उसका मोबाइल नंबर हमने कस्टमर मास्टर में जो डाल के रखा है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर ऑटोमेटिकली आ गया है एंड हम आइटम्स सिलेक्ट कर लेंगे। एंड जीएसटी परसेंटेज सेट कर देंगे, इस तरह से जितनी भी आइटम्स हो वो सारी आइटम्स हम सारी आइटम्स हम यहाँ पर ड्रॉप कर चुके हैं। अब इनवॉइस 18,172 रुपये का जनरेट हुआ है। सो सॉफ्टवेयर कस्टमर को एसएमएस सेंड कर देगा कि आपकी इनवॉइस नंबर 5 इस अमाउंट के साथ जनरेट हो चुकी है। बस हम बिल सेव करते हैं, बिल सेव करने के बाद रेगुलरली जैसे प्रिंट करते हैं वैसे प्रिंट कर लेना है, अगर नहीं करना है तो क्लोज कर देते हैं एंड एसएमएस सेंड हो गया। यहाँ पर स्क्रीन पर कोई भी नोटिफिकेशन या कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं आता है कि एसएमएस सेंड हुआ कि नहीं हुआ।
अगर आपको चेक करना है तो आप टूल्स मेन्यू में से एसएमएस में से एसएमएस शेड्यूल ओपन करके चेक कर सकते हैं केनाइज इंटरनेशनल को। यहाँ पर आपका मैसेज गया हुआ है कि योर इनवॉइस फाइव हैज़ बीन जनरेटेड विथ अमाउंट सो एंड सो, एंड पीछे आपका कंपनी का नाम, कंपनी का नाम मतलब जो अभी मैं जिस कंपनी के अंदर से आप एसएमएस सेंड कर रहे हैं, मतलब मून एंटरप्राइज के अंदर से एसएमएस सेंड हुआ है, तो यहाँ पर आपका साथ में मून एंटरप्राइज भी उसको मैसेज में चला जाएगा। बस यही सिंपल मेथड है। उसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स भी करने की ज़रूरत नहीं है और कुछ एक्स्ट्रा कोई चार्जेस भी पे करने की ज़रूरत नहीं है। सो डेली आप सपोज थाउजेंड्स ऑफ इनवॉइसेस बनाते हैं, थाउजेंड ऑफ ऑर्डर्स बनाते हैं या डिस्पैच चालान्स बनाते हैं, हर स्टेज के ऊपर सॉफ्टवेयर आपके कस्टमर्स को नोटिफाई करता रहेगा, आप इन्फॉर्म करता रहेगा, एंड आप दोनों कस्टमर एंड सप्लायर दोनों के बीच कम्युनिकेशन गैप ना हो एंड दोनों के बीच में ट्रांसपेरेंसी बनी रहे है, उसके लिए कंपनी ने बेस्ट फीचर फ्री में प्रोवाइड किया है। सो आप उसको इनेबल अभी ही कर लीजिए, आप एक्टिवेट कर लीजिए एंड यूज़ करना स्टार्ट कर दीजिए, और फिर भी कोई असिस्टेंस की ज़रूरत लगे तो आप कस्टमर सपोर्ट में भी कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप support@fixinsociety.com पे ईमेल कर सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पर आस्क फॉर हेल्प का बटन दिया हुआ है, वहाँ से भी आप आपकी जो भी कंप्लेन है वहाँ पे सबमिट कर दीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, यूज़ करते रहिए एंड अपना काम आसान करते रहिए। थैंक्स अ लॉट।